किसान लीडर राकेश टकैत अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होण पहुंचे सन। इस मौके उन्होंने गुरु घर मत्था टेकिया ते सरबत दे भले दी अरदास कीती। राकेश टकैत ने कहा कि सरकार नूं हड़ां नूं लैके चिट्ठी लिख रहे हैं। उन्हें भी कहा कि अंदोलन करते रहेंगे ताही संगठन मजबूत रहेगा ते किसान जिंदा रहेंगे। इल्जाम लगाए कि सरकार का अगला प्रोग्राम जमीन हथियाना है। किसान लीडर राकेश टकैत मणिपुर हिंसा ते भी बोले ने ते सरकारा ते वरे टेकने आए भाई सरकार को सदबुद्ध दे दे बाबा के आशीर्वाद से। और ये है कि सरकारों को भी चिट्ठी लिख रहे जो बाढ़ आई है जो नुकसान हुआ है फसलों का आगे इस तरह की त्रापदी ना है तो मंदिरों में गुरुद्वारों में उसमें यही अरदास करते हैं कि ऊपरले वाला इन सब चीज़ों से दूर रखें। देखो आंदोलन करते रहेंगे संगठन मजबूत रहेगा तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो अगला प्रोग्राम सरकारों का जमीन पे है, ये जमीन में जाएंगे। और ये आंदोलन दिल्ली में आंदोलन चला, गुरुद्वारों का बहुत बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा। जिस तरह से लंगर चले हैं भंडारे चले हैं हमारे बाबाओं का और उसका, और बड़ी आस्था आज पूरे देश को गुरुद्वारों के साथ में है, उनका लगाव है। और लोग यहाँ पे आपने देखा होगा कि जतबंद जब आंदोलन चला जत्थेबंदियाँ हिंदुस्तान की कहीं की भी हो तो गुरुद्वारों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ी है। सरकारों की एक बड़ी साजिश है कि आपस में दो समुदाय लड़े और सरकार जगह जगह उनको लड़वाने का काम कर रही, वो चाहे खाप पंचायत हो या कोई भी चीज़ हो।